पुरुषोत्तम जी के चले जाने के बाद बड़ा संकट आन पड़ा है मुखिया जी, हमें नहीं लगता इस बार मंचन हो पाएगा या नहीं। मंचन तो हो गया, सरपंच जी ने जमींदार से बात कर ली है, खर्चा तो जमींदार ही उठाएंगे इस बार। पुरुषोत्तम जैसा मंचन कौन कर पाएगा मुखिया जी? मैंने सुना है आपने विजय प्रसाद से बात की है मंचन के लिए। लो आगे विजय प्रसाद। राम राम जी, राम राम, राम राम, राम मुखिया जी। मुखिया जी क्या बताएं, बुद्धन बता रहा था कि आपने बुलाया है, ट्यूशन वूशन खत्म करके सीधा आप ही के पास आ रहा हूँ। भाई मास्टर जी, आप कैसे मेरे सरपंच जी के कानों में तो डाल दी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये धर्म का मामला है। जरा सी ऊंच नीच का मतलब बाहर से आने वाले बड़े बड़े लोगों सामने सारे गाँव की बेइज्जती। वैसे तो सरपंच जी ने बाहर से नाटक मंडली बुलाने की बात कही, लेकिन भाई आप कला की भी ज्ञानी है ये हमको पता नहीं, इसलिए मैंने आपकी सिफारिश सरपंच जी से कर दी। सिफारिश? अरे भाई कैसी सिफारिश की है जी, गाँव की इज्जत मेरी भी इज्जत है, और क्या जरूरत है सरपंच जी को बाहर से नाटक मंडली बुलाने की, ऐसा भी तो कोई चीज होती है। ठीक है भैया, और जितना पैसा आप उन्हें देंगे तो मैं आने वाले 5 सालों तक शानदार मेंशन करा दूंगा। क्या जी, मास्टर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने तो नौटंकी भी खूब जमाई है। इंचेक इंचेक और टंकी और मंचन में बहुत बड़ा फर्क है मास्टर, लेकिन बात यहाँ धर्म की है, इसलिए मर्यादा का। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं, फिरते में हनुमान जी और मुख पर जय सिया राम जगते हैं। आप बस यूँ समझ लो, मंचन की सारी परेशानी आपने मुझे दे दी, इसे लग जाता हूँ काम। अच्छा मुखिया जी, अच्छा अच्छा चलता हूँ मुखिया जी।
राम मास्टर जी। आ गया तू, मिल गए तेरे को फुर्सत। हाँ मास्टर जी, क्या हुआ, लड़की पसंद आई कि नहीं रामलीला के? अबे साले, वो अयोध्या की कम और रावण की लंका के वासी जाना लग रहे थे। साला जवानी आ गई, पर रह तभी बेटा पकती है उनकी। लोग मंचन केवल राम सीता और रावण के लिए तो देखते हैं, पर मैं कहता हूँ उनमें से किसी को भी दशरथ कौशल्या कहके हनुमान जी बना दो। और रावण का रोल तो जानते ही है, कौन करेगा? अबे मैं क्या तुझे रावण जैसा दिखता हूँ? लक्षण तो सारे वही है। गुरु जी, अगर यूं ही टेंशन लेते रहे तो फिर हो गई रामलीला पूरी। मेरी बात मानो, उन्हें देखेगा ही कौन? मेकअप शेकअप करके उन्हें ढक सकते हैं, और वो क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग एक्टर ही तो हैं, उन्हें कोई नहीं देखेगा। लेकिन राम और सीता, उन्हें देखने के लिए सारी पब्लिक आएगी। याद है पिछले साल की रामलीला के राम और सीता, पब्लिक उन्हें देखने के लिए कैसे टूट पड़ी थी। अबे पब्लिक के नाम पर गांव के बुढ़िया और लड़के याद है, और पब्लिक राम को नहीं सीता को देखने थी। हाँ कोई बात नहीं, राम से तो मैं आपको कल ही मिला दूंगा, लेकिन वो करेगा या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जमींदार का लड़का है, कल ही आया शहर से, दशहरे पर ही उसकी शादी है। जमींदार ने पूरे 1.5 करोड़ में खरीदा है लड़की को। 1.5 करोड़? हाँ, तो इतना पैसा उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी लड़कियां तो बची नहीं आसपास के गांव में, इसलिए बहुत दूर गांव से खरीदा है बहू को, और कहते हैं बाकायदा स्वयंवर भी हुआ था। हाँ तो अपनी लीला को छोड़कर हमारी रामलीला में काम क्यों करेगा? बात करने में क्या बुराई है, ज्यादा से ज्यादा मना ही कर देगा। लेकिन हाँ, बस कल थोड़ा सा जल्दी उठ जाना, तभी दर्शन होंगे प्रभु श्री राम के। अबे यार, मुखिया जी ने पेमेंट का कुछ बताया नहीं। मास्टर जी, पेमेंट की बात हो गई है, वो 2 दिन बाद देंगे, ठीक है? अबे पर ये बता, कहाँ रह गए तेरे प्रभु श्री राम, बिठा दिया सुबह सुबह? मास्टर जी आ रहे होंगे, अभी तो 5 ही बजे हैं, खुद तो 8 बजे उठते हैं। आएंगे, लो आप भी गए। चल 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 चल, वाह 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 वाह, सूर्योदय होने से पहले क्या सुंदर दृश्य देखा है ना कोने। ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम दौड़ रहे हों, मुख पे तेज, भुजाओं में शौर्य, ऐसा प्रतीत होता है जैसे अयोध्या काल लौट आया हो। नमस्ते, मैं बुद्धन हूँ, छोटे पुजारी जी का बेटा, और ये मास्टर जी, स्कूल में गणित और संस्कृत पढ़ाते हैं। बहुत सुना था आपके बारे में, बुद्धन बता रहा था कि आप शहर में पढ़ाई के साथ साथ नाट्यशाला में भी काम करते थे। एक्चुअली वो सब यूं ही, लाइक एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज। वाह, प्रभु श्री राम तो अंग्रेजी में भी बात करते हैं। आई एम रियली सॉरी, पर आप ये मुझे बार बार प्रभु श्री राम क्यों कह रहे हैं? मास्टर जी चाहते हैं इस वर्ष होने वाली रामलीला में आप प्रभु श्री राम का किरदार निभाएं। मैं और प्रभु श्री राम? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा मत कहिए प्रभु श्री राम, अगर आप ही मंचन करने से मना कर देंगे तो रामलीला कैसे बनेगी? सारा गांव देख लिया, और आसपास के गांव के जितने भी लड़के थे उन्हें भी, लेकिन प्रभु श्री राम की जो छवि आपने देखी वो किसी में नहीं देखी। देखिए, मैं सच में आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, और वैसे भी मैं MBA की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसलिए आई एम रियली सॉरी। मुझे आपका ज्यादा समय नहीं चाहिए, बस आपका सहयोग चाहिए। जिस तरह आप सुबह दौड़ लगाने के लिए जाते हैं, यदि उसमें से आप थोड़ा समय मंचन के लिए दे देते तो आपकी बहुत कृपा होती। मेरी विनती मत ठुकराइए प्रभु श्री राम। वैसे आपकी रिहर्सल कहाँ होती है? और वो जैन? वो भी नहीं आए। अरे तुम लोग पिटवाओगे यार, मास्टर जी भी आ गए। नमस्ते मास्टर जी।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे बुद्धन आज इतने कम बच्चे कैसे आए हैं? जी क्या बताऊं, सारे बच्चे गांव के बिगड़ गए हैं। अच्छा हाँ भाई, क्या हुआ भाई, कहाँ है तुम्हारे दोस्त यार? वो नहीं आएंगे, मैं शाम को जाकर बात करूंगा। तू ये सब छोड़, तू ये बता वो चारू दत्त कहाँ रह गए, प्रभु श्री राम तेरे? मास्टर जी उनके छोड़ो। हाँ और ये देखो आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाया है? अभी ये क्या है? देखो तो सही डिमांड ड्राफ्ट है, मुखिया जी ने भेजा है। पूरे हैं? पूरे 20,000 हैं? पूरे 20,000। अरे आइए 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 प्रभु भाई, इनसे मिलिए। ये हैं हमारी कहानी के सबसे मुख्य पात्र प्रभु श्री राम। और प्रभु श्री राम ये हैं आपकी वानर सेना, आपके सगे संबंधी और आपके शत्रु। मास्टर जी सीता कहाँ है? प्रभु श्री राम की प्यारी जनक दुलारी। भाई सीता जी तो अभी गहरी निद्रा में होंगी, विश्राम कर रही होंगी, और वैसे भी अभी स्वयंवर थोड़े ही हुआ है। मास्टर जी इनमें से बना लो ना किसी को भी सीता। अबे साले, अबे पूतनी के, तू जिनमें से कौन लगता है जिसे सीता बनाया जा सके? हैं उधर देख प्रभु श्री राम, और इधर रावण की लंका के छोटे छोटे राक्षस। और इस राक्षस सेना के रावण भी तो आप ही हो। चल बे। आज बच गया, आगे से नहीं छोड़ूंगा बच्चू तुझे। आज हाथ आ गया, चुप चुप कर बहुत रामलीला देख ली। ये देखिए मास्टर जी, रामलीला भी शुरू भी नहीं हुई और दक्षिणकण भी आ गए, जो चुप चुप कर अभ्यास के मजे ले रहे हैं। देखिए। अरे 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 क्या कर रहे हो बुद्धन, छोड़ो ऐसे कान नहीं पकड़ते। कौन हो तुम? मुझे माफ कर दो, तुमने कोई गलती नहीं की है। ओहो हो हो हो, कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। अरे भी बुद्धन तुझे बता दिया तूने किसका कान पकड़ा है? हमारे सामने साक्षात सीता माँ खड़ी है और किसी ने भी इन्हें नहीं पहचाना है। वाह मास्टर जी, यू आर वेरी गुड। मुझे माफ कर दीजिए सीता माता, ये सब क्या है? हमारे अहोभाग्य की आप हमारी नगरी में आए, वो देखिए प्रभु श्री राम कितने व्याकुल हैं आपसे मिलने को। मैं कोई सीता वीता नहीं हूँ, और आप ये क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ, हमारी रामलीला में हमें राजा दशरथ मिल गए, कौशल्या मिल गई, केके मिल गई, प्रभु श्री राम नहीं मिल रहे थे वो भी मिल गए। तो आपसे बस इतनी सी विनती है सीता माँ, अगर आप हमारा सहयोग कर दें तो हमारी तपस्या सफल हो जाएगी। मुझे नहीं करना ये सब। अरे आप तो नाराज हो गए, बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपने डायलॉग्स पढ़ने हैं और उन्हें याद करके बोलना है, सिर्फ आपको इतना ही करना है। वो बुद्धन जरा डायलॉग्स लेके आ, घबराइए मत, ये आपके डायलॉग्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिए, ठीक है? और इनको आपको बोलना है, ठीक है? हाँ। मुझे पढ़ना नहीं आता। लिखना भी नहीं आता होगा। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। आइए आप मेरे साथ बैठिए और देखिए सब कैसे कर रहे हैं, ठीक? आपको भी वैसे ही करना है, बैठिए।
बैठिए, चलो भाई शुरू हो जाओ। चलो बच्चा सुनो राम, मेरी ये इच्छा है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। देखा, ठीक ऐसे ही करना है आपको, ठीक है? चलो चल। वनवास तुम मुझे मिला है सीते, तो फिर तुम्हारा मेरे संग वन जाने का क्या प्रयोजन है? यदि देह और आत्मा अलग अलग होकर भी एक हैं, तो आपसे विरक्त होकर मेरा अस्तित्व शेष नहीं रहेगा। जिस दिन पुष्पों की वर्षा अग्नि के साथ फेरे और समाज के गणमान्य व्यक्तियों के सम्मुख मैंने आपसे विवाह किया था, उसी दिन से
आपको अपनी देह की आत्मा मान लिया था, इसलिए हे नाथ आपकी देह की आत्मा आपसे कैसे विरक्त हो सकती है। आओ ठीक से करना, ठीक है, ऐसे ही करना जैसे किया है। वनवास तो मुझे मिला है सीते, तो फिर तुम्हारा मेरे संग वन जाने का क्या प्रयोजन है? बोलो बोलो, थोड़ा तेज बोलो, घबरा क्यों रहे हो, थोड़ा तेज बोलो। हाँ करो। वन अरे 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 अरे, थोड़ा प्यार से बोलो ना, आवाज ऊंची करके, प्रभु श्री राम खड़े हैं, आइए एक बार थोड़ा सा कॉपरेट कर दीजिए। वनवास तो मुझे मिला है सीते, वाह, तो फिर तुम्हारा मेरे संग वन जाने का क्या प्रयोजन है? हे यदि आत्मा क्या कर रही हैं सीता माँ, भाव लेकर आइए, भाव। आपके सम्मुख प्रभु श्री राम खड़े हैं, लेकिन आपके मुख पर वो प्रेम नहीं जो सीता जी के मुख पर होना चाहिए। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति सीता जी कितनी सुंदरता से कर रही हैं, ठीक वैसे ही आपको भी करनी है, ठीक है, करिए। हाँ करिए करिए करिए। वनवास तो मुझे मिला है सीते, तो फिर तुम्हारा मेरे संग वन जाने का क्या प्रयोजन है? ये यदि आत्मा और शरीर, अरे खुलकर बोलो भैया, खुलकर। हाँ यदि आत्मा और शरीर, नहीं 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 नहीं, तुम्हें तो सही से डायलॉग्स भी याद नहीं हुए, और जब तक डायलॉग्स याद नहीं होंगे तो भाव कहाँ से आएगा? देखो भाव और भावना यही दो अभिव्यक्तियां हैं जो एक अभिनय के लिए जरूरी है, ठीक है, दोबारा करते हैं, ठीक है, चलो करो। वनवास तो मुझे मिला है सीते, तो फिर तुम्हारा मेरे संग वन जाने का क्या प्रयोजन है? क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बस यूं ही बैठा हूँ। यूं ही मतलब? यूं ही मतलब यूं ही। तुम्हें यहाँ नहीं, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, वहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। और तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि क्या तुम सच में इतना डरते हो कि वहां से भाग कर यहाँ आ गए और यहाँ सबसे छुप छुप कर रो रहे हो। मैं रो यहाँ सुन, इससे तुम्हें क्या? ये भी ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि रोने से हर परेशानी का हल निकल सकता है, तो हर कोई रोकर अपनी परेशानी दूर कर लेता। तुम्हें मेरा मजाक क्यों उड़ाना है, तो वैसे ही उड़ा लो, इतना घुमा फिरा कर बातें क्यों बना रहे हो? अच्छा तुम मुझ पे इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? मैं तुम पे गुस्सा नहीं दिखा रहा, मैं तो बस खुद से परेशान हूँ, और मुझे नहीं करना है सब, ये सब पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए है,
और मुझे पढ़ना तो क्या, मुझे लिखना भी नहीं आता। तुम्हें ये किसने कहा कि ये नाटक, ये एक्टिंग केवल पढ़े लिखे लोग करते हैं, और इसमें मुश्किल क्या है? ये तो बहुत आसान है।